यूपी के कई जिलों में मुहर्रम पर बवाल देखने को मिला। जगह जगह उपद्रवियों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। वाराणसी में शिया और सुन्नी ताजिया के रूट को लेकर आपस में भिड़ गए, तो वहीं पीलीभीत और बरेली में कावड़ी और ताजियादार आमने सामने आ गए। दोनों ही जगहों पर समुदाय विशेष ने डीजे बंद करने, कावड़ यात्रा निकालने की मांग की और दूसरा पक्ष डीजे बजाने पर अड़ा रहा। धीरे धीरे बवाल बढ़ता गया। पीलीभीत में यहां तक तो यह भी हुआ कि पत्थरबाजी हो गई, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आ गईं, जिसके बाद 125 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। वहीं बरेली में मामला अभी गहमा गहमी तक सीमित है। लेकिन इस बवाल को योगी की पुलिस ने कैसे हैंडल किया, कैसे बड़े बवाल को कुछ घंटों में सॉल्व किया, देखिए यह रिपोर्ट। शिया सुन्नी के बीच क्यों हुआ पथराव? मुहर्रम पर बवाल करने वाले कौन? बनारस में मुहर्रम का मातम अचानक बवाल में बदल गया। ताजिए के रूट को लेकर शुरू हुआ विवाद, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, हंगामा और सिरफटवल तक पहुंच गया। दरअसल वाराणसी में दोषीपुरा इलाके से सुन्नी समुदाय को सिर्फ एक ताजिया निकालने की अनुमति है, लेकिन दोषीपुरा में सुन्नी समुदाय की तरफ से कई ताजिया आ गई, जिसका शिया समुदाय के लोगों ने विरोध किया। विरोध के बाद ही विवाद की शुरुआत हुई। शिया समुदाय के विरोध पर सुन्नी समुदाय भड़क गया और ताजिए का रास्ता रोकने का आरोप लगाने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी, हंगामे और गुरिल्ला युद्ध में बदल गई। बवाल में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। दर्जनों बाइक्स के साथ ही पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी और हंगामे को देखकर प्रशासन ने आसपास के थानों की फोर्स बुलाई। पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। दोषीपुरा में स्थिति भले ही तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल में है। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उपद्रवियों पर सरकारी कार्य में रुकावट डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बलवा और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यहां पर ताजिए के रूट को लेकर विवाद हुआ, उसमें बातचीत हो रही थी और समझाया बुझाया जा रहा था, तब तक किसी एक व्यक्ति ने पत्थर उछाल दिया, जिसको लेकर बाद में पथराव हो गया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके लोगों को हटा दिया। यहाँ से अधिकारी भी आ गए थे, फिर जो एक ताजिया यहाँ फंसा हुआ था उसको निकाल दिया गया है और शेष मसला भी हल किया जा रहा है। काफ़ी अभी लोग देखे, आप देख ही रहे, लोग यहाँ से हट गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। शिया और सुन्नी वर्ग में ताजिया के रूट को लेकर विवाद हुआ है, भाई इतनी बात है। अभी यहाँ फोर्स काफ़ी है, आसपास के क्षेत्र में भी फोर्स है और मौके पर शांति है, लोग अपने घरों में चले गए, अभी मसला हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल काशी में शिया और सुन्नी के बीच ये विवाद काफी पुराना है। दरअसल दोषीपुरा में जिस मैदान से शिया समुदाय ताजिया उठाता है, उस पर दोनों समुदाय अपने अपने दावे करते हैं। शिया कहते हैं कि मैदान हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए है, तो दूसरी तरफ सुन्नियों का कहना है कि यह हमारा पुराना कब्रिस्तान है, जहां हमारी दो कब्रें हैं। 1976 में सुन्नी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने शिया के पक्ष में फैसला सुनाया और सुन्नी केस हार गए, लेकिन आज तक वहां से कब्रें नहीं हटी। इसके साथ ही दोनों समुदाय एक दूसरे को धार्मिक आयोजन करने से रोकते हैं। इससे पहले दोनों समुदायों में विवाद 2000, 2004, 2012, 2014, 2017 और 2022 और फिर इस साल भी हुआ, लेकिन आज तक दोनों समुदायों के बीच मामला सुलझ नहीं पाया है। वाराणसी में बवाल शिया और सुन्नी में हुआ, तो पीलीभीत में कांवड़िये और ताजियादार आमने सामने आ गए। खमरिया पुल के पास दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल
ताजियादारों ने कांवड़ियों को डीजे बंद करने को कहा। डीजे बंद करने को लेकर दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष पत्थरबाजी करने लगे। पहले तो पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवी नहीं माने और पथराव करने लगे, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। पुलिस की गाड़ियां टूटी और रोडवेज बसों के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसमें कुछ यात्री भी घायल हो गए। करीब 4 बजे के आसपास शुरू हुआ बवाल घंटों बाद भी जब शांत नहीं हुआ, तब अधिकारियों ने सख्त रवैया अपनाते हुए बवाल करने वालों को लाठियों से खदेड़ा। पीलीभीत बरेली रोड है और इसी पे एक शाही जगह है। यहाँ पे एक समुदाय के लोगों ने जाम वाम लगा करके व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, और जब उनसे वार्ता करने का पुलिस ने रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनमें से कुछ लोगों ने पथराव भी किया। इसके बाद में लोगों से वार्ता करके वो रास्ते को क्लियर कराया गया और रास्ता बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा कुछ लोग जो है शराब के नशे में थे और उन्होंने छत पर चढ़ करके पत्थर फेंके, तो ऐसे कुछ लोगों की भी हमने अरेस्टिंग की है। मौके पे जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है और हम सतत दृष्टि यहाँ पे बनाए हैं। पुलिस के टाइट एक्शन के बाद बवाल शांत हुआ, हाईवे पर जाम खुलवाया और रास्ता साफ होने के बाद ताजिए निकलवाए गए। दरअसल मुहर्रम और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यूपी पुलिस अलर्ट थी। सीएम योगी के आदेश पर अराजकता फैलाने वालों पर प्रशासन की नजर थी, इसीलिए कहीं भी बवाल बढ़ने से पहले ही योगी की पुलिस ने उपद्रवियों को टाइट कर दिया, कानून का पाठ पढ़ा दिया। पीलीभीत में मामला शांत हुआ तो बरेली में कांवड़िये और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि कांवड़ यात्रा डीजे बंद करके निकलनी चाहिए, लेकिन वहीं कांवड़ यात्रा निकालने वालों का कहना है, समस्या ये है कि ये प्रशासन यहाँ से हमारी कांवड़ आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस पक्ष का दबाव है। ये तो हमारा दबना हो जाएगा ना, क्या कर रहे हैं बताइए। अब उनका काम निकल गया तो बस सोच रहे हैं। बस क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी कांवड़ सुरक्षित और जैसे हर बार निकलती वैसे निकले, हम शांति ढंग से ही चलेंगे, लेकिन हमारा डीजे हमारे साथ चलेगा। हमारा डीजे बसते हुए जाएगा। दरअसल बरेली के चक महमूद और जोगी नवादा इलाके में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन मुस्लिम समाज ने कांवड़ियों के रूट का विरोध किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक दूसरे के विरोध में दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ पर। इन लोगों का कहना ही है कि नई परंपरा के तहत इस रोड से निकाला जा रहा है। हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं इन लोगों को समझाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, बताने के लिए कि भाई इंसानियत का सबूत दे, और लोग मान भी रहे हैं। कुछ लोग नौजवान हैं, उत्तेजना इस वजह से भी ज़्यादा है कि उस समाज के लोगों का भी गलत तरीके से जो ज़बरदस्ती एक जो मामला है वो ज़बरदस्ती इस रोड पर निकालने का है। तो अभी ये कोई बीच का रास्ता अधिकारियों के साथ बैठकर हुआ है, अभी इन लोगों से बात कर रहे हैं, सारे लोग हम मौजूद हैं और हमें यकीन है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ कांवड़ निकलेगी। दरअसल कांवड़ियों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो पिछले कई सालों से इसी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार उनको इस रास्ते से कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है। ये है जब कल इनका जुलूस निकला है यहाँ से, ये 4 घंटे में निकाल के ले जाते हैं यहाँ से, शांतिपूर्वक निकल गया, हमने सबकी सपोर्ट करी यहाँ पे मोहल्ले वालों ने। अब जो आज हमारी कांवड़ क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? रास्ता हमारा यही है निकलने का, जब ये हमारा नहीं निकलने दे तो हम इनका क्यों निकलने देंगे? फिर जुलूस इनका भी आने वाला है, इनका त्यौहार बीत गया तो ये चाह रहे हैं अब पूरा। अब जो करें हम जा रहे हैं खुरापाती, अद्दे लेके घूम रहे, ईंटे लेके घूम रहे हैं, तो हिंदू भी कोई इतना मुर्दार तो नहीं है, रोटी ये भी खा रहे हैं। उस्तैनी है यहाँ, कोई वो नहीं है, नया रास्ता नहीं है। एक तरफ मुस्लिम समाज कांवड़ यात्रा के विरोध में सड़क पर बैठ गया है, तो कांवड़ यात्री इसी रूट से जाने की जिद पर अड़े हैं। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता भी पहुंचे और समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा आपसी विवाद था जुलूस को लेकर के और कांवड़ियों को लेकर के, कांवड़ का जुलूस जो निकल रहा है उस पर बातचीत चल रही है। मतलब लोग एक समुदाय बता रहा है कि नई परंपरा है, तो उस चीज़ में आपस में बातचीत चल रही है और उम्मीद ये है कि दोनों तरफ के जो है जिम्मेदार लोग आ गए हैं, बातचीत चल रही है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, उम्मीद ये है जल्दी इस मसले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। समझाने के बाद भी दोनों पक्षों से कोई मानने को तैयार नहीं था और दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जिसके बाद
पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं मुहर्रम पर देश की राजधानी दिल्ली का भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, सरकारी बसें तोड़ी गईं, बवाल हुआ, माहौल बिगड़े और तनाव बढ़े। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि पहले से तय रूट को जुलूस के लिए पुलिस ने जो रूट दिया था वहां से ना निकालकर दूसरे रूट से निकालने पर पुलिस ने रोका तो बवाल हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जुलूस की आड़ में क्या बवाल की साजिश प्री प्लान्ड थी, क्या दिल्ली में दंगे की साजिश हो रही है, ताजिया के रूट पर पत्थर कहां से आए और अचानक ही कैसे भीड़ ने उग्र रूप ले लिया, दिल्ली के नागलोई में हुए हंगामे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। मुहर्रम के जुलूस में पत्थर मार, दिल्ली में किसका दंगा प्लान, दिल्ली में दंगाबाज, कौन मोहरा, कौन मास्टरमाइंड, कहां बना रूट बदलने का प्लान, किसके इशारे पर संग्राम, राजधानी दिल्ली की दंगे वाली ये तस्वीरें डराने वाली है। दिल्ली में एक बार फिर दंगाइयों ने कहर बरपाया। मुहर्रम के जुलूस से निकली भीड़ ने नांगलोई में मातम फैलाने की साजिश की, जमकर उत्पात मचाया और एक बार फिर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई। दिल्ली में दहशत का पूरा प्लान तैयार था, मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकाला गया, ऐन वक्त पर रूट बदलने की मांग होने लगी और फिर पथराव के जरिए दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। गेट खोलने कह रहा हूँ, ये देखो पत्थर मार रहे हैं, ये देखो पत्थर ही पत्थर मार रहे हैं, ये देखो तोड़ दिया शीशा, चलो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, चलो उस्ताद चलो चलो उस्ताद चलो चलो उस्ताद उधर बैठ जाओ, नीचे पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे सब नीचे हो जाओ, नीचे जाओ सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, बड़े नीचे हो जाओ, जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालो, गाड़ी किस तरह रोकी मत भाई, भाई थोड़ा पीछे हो, भाई थोड़ा पीछे हो, हल्का से पीछे हो, मेरे देखो पीछे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे रहो, सब नीचे रहो। दिल्ली की नांगलोई में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन ताजिया का जुलूस जैसे ही सूरलमल स्टेडियम तक पहुंचा, भीड़ को भड़काने वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। पुलिस के साथ तय रूट से अलग ट्रैक पर जाने की डिमांड होने लगी और भीड़ को स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए उकसाया जाने लगा। रूट चेंज की मांग पर पुलिस और दंगाई आमने सामने आ गए। फिर क्या, पत्थरों की बारिश से पूरा इलाका दहल गया। दंगाई लाठी डंडे और तलवार भांजते हुए बसों पर अटैक करने लगे। पुलिस की टीम पर हमला बोला गया, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल बिगड़ गया। लगभग दो दर्जन से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और हम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां नांगलोई में ये पूरा दंगा होता है। और यहां के आप हालात देखिए, ये महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है और ठीक इसके नीचे सामने की तरफ आप देखेंगे महाराजा सूरजमल स्टेडियम है, जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो ताजी के जुलूस में जो लोग थे वो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो उसी दौरान उसी भीड़ में से जो लोग थे वो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करते हैं, पुलिस की कई गाड़ियों को तोड़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां, बसें, जो भी वाहन सामने आते हैं उनमें तोड़फोड़ की जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।